listen up. There's not a thing that I can get from you. Boy, I don't. Hello guys, good morning. So today we are starting our day 5. हम अपना 5th day start कर रहे हैं आज. और ऑलरेडी मेरा काफी टैनिंग हो चुका है फेस पे, बट इट्स गोवा तो ठीक है, चलता है. और मैंने सेम वो ड्रेस पहना हुआ है जो फर्स्ट डे पहना हुआ था, क्योंकि फिर वो मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था इसलिए मैंने वो रिपीट किया. और इसमें ऐसा बताने का तो कुछ है नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रीट से है. ये मेरा शॉर्ट्स भी और मेरा टॉप भी. एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ. ये टॉप है मेरा जो मैंने कोलकाता न्यू मार्केट से लिया था. इट्स अ डेनिम टॉप और ऐसे यहाँ पर बांधने का भी है. और ये भी, ये शॉर्ट्स भी मेरी स्ट्रीट से, स्ट्रीट शॉपिंग से ही है. ये मैंने दिल्ली से ली थी. तो अभी प्लान ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करके हम लोग, या फिर हम लोग सोच रहे हैं कि सीधे कैंडोलिम बीच पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर कहीं रस्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बीच जस्ट टू रिलैक्स अ बिट, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था कल, ये वो घूम के चर्चेज एंड ऑल ओल्ड गोवा. और आई वॉज सो टायर्ड, मतलब रात को आके भी आई वॉज डैम टायर्ड. और इतनी बारिश, मतलब दिन में यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है बट रात में यहाँ पे बारिश हो रही है. तो बस यही डिसाइड किया हम लोगों ने कि आज थोड़ा जाके थोड़ा रिलैक्स करना है, ज्यादा बात नहीं, चिक चिक नहीं, मतलब बस जस्ट पीस. सो गाइज वी आर ऑल सेट. और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर. मिस्टर देवकांत जिन्होंने नई टी शर्ट पहनी हुई है, मतलब एक्चुअली मैंने कल ये टी शर्ट खरीदी थी व्हाइट अपने लिए. मुझे एक व्हाइट टी शर्ट चाहिए थी वीनेक की, बट देन मुझे वो आई नहीं, वो लूज हो गई, तो फिर मैंने इनको दे दी. वो वही टी शर्ट पहने हुए हैं वो. गोवा इज गुड बट इट्स टायरिंग, सो टायरिंग. मतलब सुबह से शाम तक रूम में अच्छा भी नहीं लगता है तो निकल ही जाते हैं. वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं जो था वो था कुछ. कहाँ पे? वो जो यहाँ पे नहीं खुला होगा वो, कल तो हमने देखा था 6:30 बजे कहाँ खुला था. तो अभी बज रहे हैं 9:43, मतलब वही 9:45 करीब. और मौसम बहुत अच्छा है, फिर भी मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है क्योंकि पता नहीं, कल तो मेरा टैनिंग हुआ था, मौसम अच्छा था, बट फिर भी वो एक अजीब सी धूप रहती है ना बादलों के पीछे, तो मेरा कल टैन हुआ था अच्छा खासा, इसलिए मैंने आज पोत पोत के भर भर के मुंह पे हाथ पे सब जगह सनस्क्रीन लगाई है. अभी हम लोग जा रहे हैं चाय और समोसा खाने के लिए, बट वो बंद है. So guys, we are at Candolim Beach और बहुत जोर से लहरें आ रही है, बट मुझे भीगना नहीं है तो मैंने सिर्फ पैर भिगोया है और कुछ ज्यादा नहीं. बट कई लोग यहाँ पे नहाते भी हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा साफ जो है पानी है, सबसे ज्यादा साफ पानी होता है यहाँ पे. वाओ, बहुत बड़ी लहर थी, देखो पीछे जाना, बहुत बड़ी लहर थी, मुझे पीछे जाना पड़ा. इसीलिए जूस पीने के लिए जा रहे हैं हम लोग. अब क्या करें, जूस से काम चलाना पड़ेगा. So guys, इसको क्या बोलते हैं अभी? इसको कुछ तो बोलते हैं. So guys, मैं तो लेटी हुई हूँ नेट वाले बेड पे, इसको शायद से इसको बोलते हैं नेट वाला बेड. और ये जाएंगे अभी स्विमिंग करने के लिए और मैं यहाँ पर बैठ के आनंद लूंगी स्विमिंग का. तो बस आई एम ऑन माय रिलैक्सिंग मोड. और इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ इस चीज़ को, ये जो झूले जैसा है इसे लेटने का. अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए इसको क्या बोलते हैं. बाकी स्विमिंग पूल मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कैसा है. स्विमिंग पूल ये है किड्स पूल, फिर उसके बाद वहाँ से शुरू है स्विमिंग पूल और ये जा रहे हैं अभी स्विमिंग के लिए. और फिर ये पूरा स्विमिंग पूल है ऐसे बैठने की जगह. और ये है जहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, ये ऐसे है झूला, मस्त सा, बहुत बढ़िया. ये है नारियल का पेड़.
धूप है नहीं बट चश्मे के बिना काम, मतलब सनग्लासेस के बिना काम भी नहीं चल रहा है. एक्चुअली इतनी धूप है नहीं बट सनग्लासेस के बिना काम नहीं चल रहा है क्योंकि बादल है, बट जो बादल के पीछे जो धूप होती है ना वो एक चिड़चिड़ी सी धूप होती है, वो बहुत ज्यादा हो रही है. तो एक्चुअली कल मैं इनको यही बोल रही थी कि सोचो कितना साल भर हम लोग वेट करते हैं दुर्गा पूजा दिवाली नवरात्रि और फिर चुटकी में निकल जाता है पूरा एक साल. दुर्गा पूजा तो खत्म हो ही चुकी है, बस अब दिवाली आने वाली है, फिर दिवाली के बाद न्यू ईयर, क्रिसमस ऑफ न्यू ईयर, बस तो ये साल भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा चुटकियों में जैसे होता है. एक्चुअली अभी कोई है नहीं यहाँ पे पूल पे, तो इसलिए मैं आराम से ब्लॉग भी कर पा रही हूँ, ये स्विमिंग भी कर पा रहे हैं. बट ये बोल रहे हैं मुझे स्विमिंग पूल में उतरने, बट मुझे मन नहीं हो रहा, तो शायद मैं पैर डाल के केवल बैठूंगी, बट पूरा नहीं उतरूंगी, खाली पड़ा पूरा पूल, कोई भी नहीं आया इनफैक्ट अभी. शाम का प्लान कुछ ऐसा है एक्चुअली कि हम लोग शायद से जाएंगे, मुझे एक्चुअली डोसा खाने का बड़ा मन है और पानी पूरी खाने का लेट्स सी क्या होता है. मुझे ना बहुत इंडियन फूड खाने का बहुत मन होता है, मतलब मुझे ज़्यादा कॉन्टिनेंटल या फिर ज़्यादा पिज़्ज़ा या फिर ब्रेड वो सब खाने का कभी मन नहीं होता है ज़्यादा. मुझे हमेशा इंडियन फूड खाने का मन होता है, जैसे कि डोसा हुआ या फिर पंजाबी फूड जैसे कि रोटी दाल सब्जी, ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. और ना कि मुझे ब्रेड्स एंड ऑल चीज़, ये सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है. कल भी एक्चुअली क्या, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कल रात को जब हम लोग लौटे थे घूमने के बाद, जो भी हम चर्च वर्च देख के और जब हम क्रूज़ पार्टी देख के जब हम लौटे, तो फिर एक्चुअली बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी, तो फिर कहाँ से ऑर्डर करें समझ में नहीं आ रहा था. फिर हम लोगों ने एक लास्ट डोमिनोज से ऑर्डर किया, बट मुझे वो भी पसंद नहीं आ रहा था डोमिनोज का पिज़्ज़ा, क्योंकि पता नहीं यार जो बात घर के खाने में ना, जो इंडियन खाने में जो बात है वो किसी में नहीं है एक्चुअली. जो दाल राइस और जो अचार पापड़ में जो बात होती है वो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता किसी के खाने में. मस्त ऐसा स्विमिंग कर रहे हैं, ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. ये मुझे बुला रहे हैं पैर डाल के बैठने के लिए स्विमिंग में, स्विमिंग पूल में. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. अभी हम हैं अपने होटल में एंड दिस इज क्लब स्टेडिया नॉर्थ गोवा में है, जो बरवड़े में. तो बस अभी निकल रहे हैं रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करके आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने कालंगुट बीच पे. हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे. हमारी तो बाइक पे ऐसे चिड़िया हमेशा पॉटी करती रहती है. कल भी हमने पार्क किया था बागा बीच पे, इतनी भयंकर तरीके से पॉटी करके पूरी स्पॉइल कर दिया था, और इस बार भी ऐसे वैसे पानी लेने जा रही हूँ. बड़ी टेंशन की बात है यार ये तो, और हालत ख़राब हो चुकी है मेरे स्किन की और मेरे हेयर्स की. हेयर्स हो चुके हैं पूरे रफ एंड ड्राई. अब जाके मैं हेयर स्पा करूँगी खुद से ही, और मैंने हेयर स्पा का भी एक वीडियो बनाया है, लिंक दे दूँगी देख लेना. तो हेयर स्पा करने वाली हूँ जाके, और स्किन तो पूरी मेरी दो शेड एक्चुअली टैन हो चुके हैं. अभी मैंने फाउंडेशन बेस दिया है, ओहो लिपस्टिक, ओके फाइन. अभी मैंने फाउंडेशन, पहले मैंने सनस्क्रीन, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन करके, फिर फेस पाउडर करके मैंने थोड़ा सा एक अपना मास्क बनाया है, जिससे कि थोड़ा कम सन टैन हो, क्योंकि मैंने कल देखा था ये करके और काफ़ी इफेक्टिव था. तो अगर आप लोग ऐसे गोवा या फिर पूरी या फिर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सन टैन होता है ज़्यादा, तो आप थोड़ा हल्का सा एक बेस बना लीजिए फेस के ऊपर, तो आपका सन टैन थोड़ा कम होगा. ये मैंने कल देखा था और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैंने आज भी किया है वो चीज़. और एक चीज़ मैंने डिस्कवर करी है गोवा में कि वेयरिंग अ शॉर्ट्स एंड टॉप बस इज बेस्ट थिंग. नो स्कर्ट, नो लॉन्ग स्कर्ट, नो ड्रेसेस, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल सा टॉप और एक शॉर्ट्स, यही बेस्ट यहाँ पर ड्रेस गोवा में. एक्चुअली जिस दिन हम लोग गोवा में आए थे उस दिन इतना गर्मी नहीं थी, तो रियल रियल गोवा में जो गर्मी है वो मैं अभी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोलकाता से भी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है. सो गाइज, आज मैंने जो पहना हुआ है पूरा ड्रेस देख सकते हैं आप लोग. तो अरे यार, कोई अगर कोई मिरर होता मैं दिखा देती. ये पूरा का पूरा स्ट्रीट शॉपिंग है, और बस अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पर, मतलब हवा भी नहीं चल रही है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है.
तो गाइज वी जस्ट रीच्ड कलंगुट बीच। मेरे तो बालों की ऐसी तैसी हो गई है बाइक पर, मतलब एकदम बैंड बच चुके हैं मेरे बालों के। अपना हेलमेट ले लो, हमेशा मुझे हेलमेट पकड़ा देगा। हाँ नहीं तो खुद का सामान है, खुद पकड़ो। सो लेट्स स्टार्ट द शॉपिंग। सबसे पहले मैं अपने बालों के लिए कुछ बांधने के लिए लेने वाली हूँ, पटांदा टाइप्स का। और हम लोग है कलंगुट बीच पे, दो इनका मूड बिल्कुल नहीं था। अच्छा, दो इनका मूड बिल्कुल नहीं था आने का, बट मैं फिर भी ले आया। और अभी ये इनके ब्याह में मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ। हंस तो रही है बट मूड अच्छा नहीं है। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है गोवा? अच्छा है। अच्छा है बट ज्यादा दिन के लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ज्यादा दिन कहीं पे भी नहीं अच्छा लगता, थोड़े दो तीन दिन बस घूमो घर चले आओ। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होता ना हर टाइम? एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ यार, इतना ज्यादा घूम लिया है ना गोवा। 4 दिन काफी है यार, 5th डे तो मतलब रिलैक्स होना चाहिए बस। 4 डेज आर इनफ फॉर गोवा। 4 डेज, जस्ट 4 डेज आई सजेस्ट। हाँ, अगर आप बहुत ओवर एक्साइटेड हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हैं मेरे पति की तरह, तो आप 15-20 दिन भी रुक सकते हैं यहाँ पर, दैट इज अप टू यू। बट एक नॉर्मल इंसान मेरी तरह 4 दिन से ज्यादा घूम नहीं पाएगा यार यहाँ पर। एक तो आप जब बीच पे जब वॉक कर रहे होते हैं, आपकी डबल एनर्जी लगती है उसमें, डबल। और बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, क्लाइमेट भी ऐसा है, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। टैनिंग हुआ है वो तो है ही अलग दुख, मुझे अलग से ही दुख है। बाल मेरे खराब हुए हैं वो भी अलग से ही दुख है, तो ऐसा ही है। अब देखो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है ना। चलो उधर से चलो, इसीलिए अगर आपको एंजॉय करना है गोवा में तो बहुत कुछ होना भी पड़ेगा। जाओ फिर, ये जाना चाहते हैं वाटर स्पोर्ट्स में, पैराग्लाइडिंग में जाना चाहते हो तुम? जाओ फिर, मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कुछ भी। सेल भी लगी है यहाँ पे तो, 100 रुपीज। 100 रुपीज
सो गाइज वी आर डन विद आवर शॉपिंग. मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया है, कुछ कुछ अपने कजन्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए. अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ मैंने दूसरों के लिए लिया है. छोटा छोटा कुछ कुछ सामान एटलीस्ट कुछ एक देने के लिए. कलंगुट मार्केट इज नाइस, अच्छा है कलंगुट मार्केट, लेकिन उतना अच्छा सामान है नहीं. मतलब क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो उतना अच्छा सामान है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ बच्चों के लिए लिया है और किसी को देने के लिए कुछ नहीं लिया है. और अभी बैठे हैं रेस्टोरेंट में, थोड़ा रिलैक्स करेंगे. मैं लेमन सोडा लेने वाली हूँ सॉल्टी, और कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे. और ये है सामने बीच, ऐसा कुछ व्यू है हमारा. तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में. सो गाइज आई एम डन विथ माई शॉपिंग. मैंने एक ये स्टोल लिया है क्योंकि मैं सिर पे बांधने के लिए भी कुछ लाई नहीं थी, इसीलिए दैट्स इट. ये 100 रुपीज़ का है और काफ़ी बड़ा स्टोल है. उसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है. बस यही एक चीज़ मैंने अपने लिए ली है.